हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बनाएंगे पालक वाली दाल, बिल्कुल अलग तरीके से जो मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। तो बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे यहाँ पे दाल। हमने यहाँ पे 1 कप मसूर की दाल, आप अपनी पसंद के यहाँ पे कोई भी दाल ले सकते हैं। और इसे हम पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे। और अब लेंगे हम कुकर, और इस कुकर में सभी दाल को डालेंगे। और अब हम डालेंगे यहाँ पे पानी। तो हमने यहाँ पे 1 कप दाल में 2 कप पानी डाली है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, और यहाँ पे 2 से 3 बूंद हम ऑयल डाल देंगे। और इसके ढक्कन को लगा के अब हम इसे पकाएंगे। तो हम यहाँ पे हाई फ्लेम पे दाल को 1 विसल आने तक पकाएंगे। और तब तक हम यहाँ पे अपनी पालक की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है, और उस कढ़ाई में हम डालेंगे पालक। तो हमने यहाँ पे 1/2 केजी पालक को अच्छे से वॉश कर लिया है। और हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, बिना तेल के हमें यहाँ पे पालक को डालना है। और इसे अब हम कवर कर देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे। और तब तक हमारी दाल में भी 1 विसल आ गई है। तो यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को एकदम से लो कर देंगे, और लो फ्लेम पे दाल को हमें सिर्फ 1 मिनट ही पकाना है। और तब तक हमारी पालक भी अपनी क्वांटिटी से बिल्कुल आधी आ गई है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, और इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगी तो हमें इसे इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। और जब तक साग हमारी ठंडी हो रही है, तब तक हम लेंगे एक कढ़ाई में 2 से 3 टेबल स्पून सरसों का तेल। तेल जब अच्छे से गर्म आ जाएगी तो फिर इसमें हम डालेंगे जीरा। और जीरे से जब खुशबू आने लगे तो फिर उसमें हम डालेंगे यहाँ पे, पहले डालेंगे हम हरी मिर्च, और इसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे चुटकी भर हींग, और इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें कटी हुई लहसुन। और हमें इसे हल्की गोल्डन होने तक लहसुन को पकाना है। तो लगभग 1 मिनट तक पकाने के बाद लहसुन हमारी पक गई है। तो अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, और प्याज को भी हमें हल्का गोल्डन होने तक पकाना है। यहाँ पे हम लहसुन को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि लहसुन हमारी प्याज के साथ भी पकेगी। और 1 मिनट के बाद प्याज भी हमारी हल्की गोल्डन हो गई है। तो अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, और टमाटर को भी हम सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। और गैस की फ्लेम को हम यहाँ पे मीडियम पे ही रखेंगे, और इसे अच्छे से हम सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तो थोड़ी देर के बाद हमारी टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसमें पालक की प्यूरी ऐड कर देंगे। तो हमें इसे बिल्कुल महीन नहीं पेस्ट बनाना है, हमें इसे थोड़ा दरदरा पेस्ट ही बनाना है। और अब हम इसे इसमें डालने के बाद हाई फ्लेम पे हम इसे 1 मिनट तक पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि पालक हमारी पहले भी पक चुकी है। तो तकरीबन 1 मिनट तक हमने इसे हाई फ्लेम पे पका लिया है। अब हम इसमें दाल को ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे पूरी दाल इसमें डाल दी है, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ पे ज़्यादा नहीं पकाना है, इसे हाई फ्लेम पे हम इसे 1 मिनट तक पकने देंगे पालक और दाल को। और 1 मिनट हो चुके हैं, तो पालक वाली दाल हमारी बनके तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।